बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह नाश्ते के लिए मेरे लिए नाश्ते में कितना मोटा बन लेकर आए हैं, बिल्कुल केक के साइज़ का। 1 पाउंड का जो केक होता है ना, ये इसके साइज़ का बन है कि ये एक बंदे के लिए ऊपर वाला हिस्सा ना ये इनफ है। तो मैंने इसको, मुझे पूरा नहीं खा सकती थी मैं, तो मैंने इसको जो ना 2 पीस में कट कर लिया था। और अच्छा, मुझे ना क्रिस्पी खाना पसंद है, चाहे वो पापे हों, मतलब जो पापे तो खैर होती ही क्रिस्पी हैं, इसके अलावा स्लाइस हों या फिर बन वगैरह हों। तो मैंने इसको हल्का सा ना टोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड का पराठा बना रही थी ना, तो साथ में अपना बंद भी रख दिया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो ये खुद ही रखे रखे मतलब टोस्ट होने के वो हो गया, टोस्ट हो गया, क्रिस्पी हो गया। तो क्रिस्पी बड़ा मज़े का लगता है। और हमारे मक्खन ख़त्म हो गया था, वरना तो ब्रेड के साथ मक्खन का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो बहुत ही आला लगता हैगा। और तो बस यहाँ पर नाश्ते से फारिग होने के बाद जो है मैंने अपनी सफाइयाँ वगैरह जो मेरी रहती थी मैंने वो कम्प्लीट की, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पा रहा था और मैं गई हुई थी, तो इसलिए बस मैंने सोचा मैं सफ़ाई कर लेती हूँ पहले, उसके बाद जो है बाकी के काम करते हैं। क्योंकि सफाई के साथ, सफाई पहले हो जाए ना तो टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। वहाँ पर जो है ना, असल में थोड़ा सा लेट भी हस्बैंड गए थे ना ऑफिस ना, तो फिर मैं 2 घंटा बाद उठी हूँ ना, फिर मुझे अपने काम सारे याद आए हैं। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो है ना मनिया भी जो है ना मेरे साथ जो है ना अपनी मेरी हेल्प करवा रही थी। हेल्प क्या करवा रही थी, इनका काम बस उधर भागना, उधर तंग करना, उधर तंग करना, मुझे कचरा ला के देना, झाड़ू लगाना, ये होता है इनका काम। तो खैर मैंने सोचा आज काम थोड़ा सा हो गया है जल्दी, तो बस यही कि ना आज मैं किचन की भी एक कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। इतना टाइम तो रोज़ होता नहीं है कि मतलब कि मैं रोज़ जाना इतना ज़्यादा काम लेके बैठूँ। तो बस मैंने सोचा कि रोज़ाना एक कैबिनेट की सफाई करूँगी, रोज़ाना एक चीज़ की सफाई करा करूँगी मैं। तो यहाँ पे ये बर्तनों वाला जो हिस्सा है ना, बर्तनों वाला जो पार्ट, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मतलब ये कि ना वो मिट्टी वगैरह भी आ गई थी थोड़ी सी, और इसके अलावा बर्तन भी बहुत ज़्यादा ना और सेटिंग से आउट हुए हुए थे। तो बस मैंने यहाँ पे सब खाली करके, इस पैम्पिटी करके, इसके बाद जो है ना मैंने इसको सारा क्लीन करके अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और दोबारा बर्तन मैंने इसको सेटिंग से रख दिए। और बाकी ये वाला पोर्शन जहाँ पे हमारा कूलर रखा होता है ना, तो यहाँ पे जो है ना डेली पानी गिरता है। तो मैंने सोचा ये वाला हिस्सा भी ना, वैसे तो रोज़ ही डेली ही ये वाला हिस्सा धुलता है, लेकिन आज जो है ना मैंने इसको लिक्विड से अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि ये टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर लिए थे, क्योंकि ज़्यादा काम करने का टाइम नहीं होता है। फिर ज़्यादा काम करो ना तो बहुत ज़्यादा फैल भी जाता हैगा, फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डेली बेसिस पे कर लेती हूँ काम, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, ज़्यादा चीज़ों को नहीं फैलाती हूँ मैं। कभी कुछ थोड़ा सा साफ़ कर लिया, कभी कुछ थोड़ा सा साफ़ कर लिया, कभी कुछ थोड़ा सा साफ़ कर लिया। तो ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल क्लीन हो गया था। और बाकी जो छोटे छोटे ड्रॉप्स रखे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको साइड्स में ना, तो ये मनिया के ड्रॉप्स होंगे, दवाई होंगी, मैं इनको ना देती हूँ। तो ये सामने रखे होते हैं ना तो मुझे याद हो जाते हैं देना, और अगर इधर उधर कहीं रखे हुए ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने इसको यहीं सामने ही रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों के अभी आने के स्कूल में टाइम था, छुट्टी होने में टाइम था, तो बस मैंने सोचा मैं अपने बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा टूट रहे हैं मैं बस मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ, मुझे ऑयलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे ऑयलिंग करना। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे मैं नहाऊँगी, मतलब बाल वॉश करूँगी, तो इसलिए जो है ना मैं एक दिन पहले ही ऑयलिंग कर लूँ, अच्छे से ऑयलिंग मसाज कर लूँ। ऑयलिंग मसाज करना हमारे सर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग को जो है ना ताकत मिलती है, हमारे ब्रांड को ताकत मिलती है, हमारा ब्रांड जो है ना वो हेल्थी होता है। तो इसलिए ना कोशिश करा करें कि अपने सर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयलिंग करा करें, ताकि जो है ना आपके बाल भी ना अच्छे स्मूथ हो जाएं और टूटे भी ना। पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती थी तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, अभी मैं इसी में कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने इनका मुँह हाथ धुलाया, कपड़े वगैरह इनको चेंज कराए इन लोगों, फिर मैंने लोगों को पराठे बना दिए थे, क्योंकि रात की दाल रखी हुई थी। मैं खाना रात में ही बना लेती हूँ, मैं दिन में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रात में होते हैं घर पर, फादर इन लो मदर इन लो भी फिर रात में ही मतलब हमारी तरफ खाना खाते हैं। तो सुबह में दोपहर में वो लोग हमारी जेठ की तरफ से खाना खाते हैं, नीचे खाना खाते हैं, बाकी हम मेरा पोर्शन ऊपर है ना, तो रात में हम लोग की तरफ खाना खाते हैं। तो मतलब ये है कि ना मैं चाहती हूँ कि मैं लोग को फ्रेश खाना दूँ, मतलब ताज़ा खाना बना के दूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे उनको बासी खाना में खिलाऊँ। तो इसलिए जो है ना बस मैं रात में ही खाना बनाती हूँ बच्चों को। तो मैंने ताज़ा पराठे बना दिए थे, बाकी ये रोटी रात की रखी हुई थी तो ये वेस्ट होनी थी। तो मैंने सोचा मैं इसको भी ना हल्का सा पानी लगा के ना, घी लगा के ना इसको मैं सेक लेती हूँ, नरम कर लेती हूँ, तो ये जो है ना क्या बोलते हैं अच्छी मज़ेदार रोटी लगती है। ये दाल के साथ इतनी ज़बरदस्त रोटी लगती है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमारी नबी पाक जो है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना रात की रोटी में दुरूद पाक पढ़ के जाया करते हैं, दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। तो इससे रात की रोटी खाना जो है ना बहुत हमारी हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सिर्फ 1 महीना रात की रोटी से नाश्ता कर लें,
आपकी सेहत आपको बता देगी, आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी फुल रोटी होती है ना ये, कि आप खुद को पता चल जाएगा सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। बस यहाँ पे मैंने अपना खाना वगैरह खा लिया था, तो ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने मनिया के कपड़े ना आयरन करके रख दिए थे, तो आयरन वगैरह कर लिए थे, मनिया को भी मैंने सुला दिया था, अपने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। अब मुझे शाम की कुकिंग करनी थी, तो बस मुझे सौदा लेकर आना था, मतलब थोड़ा सा ना सामान जो थोड़ा ख़त्म हो गया था वो लेकर आना था। तो मैं फ़हद के साथ जा रही थी बाज़ार में, फ़हद के साथ ही जाती हूँ अक्सर बाज़ार, नबिया नहीं जाती मेरे साथ। नबिया को जब अपनी शॉपिंग करनी होती है ना तो जब ही जाती हैं। तो बस खैर यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स रखी हुई थी, तो समझ ही नहीं आता है कि कुछ क्या बनाए इंसान क्या ना बनाए। लौकी हमारे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनको बड़े नखरे होते हैं। इसके अलावा मेथी अभी आना शुरू हुई है, स्टार्टिंग मेथी पसंद है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेथी बनाऊंगी। और बाकी बस ये है कि मैंने तोरई ले ली थी, इसके अलावा जो अभी आगे जो मैं लिया है मैंने आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये एनर्जी फुल ड्रिंक पीना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में जब इंसान जाता है ना तो बहुत थक जाता है। तो बस यहाँ पे ये एक ग्लास एनर्जी फुल ड्रिंक हैगा, ये शुगर कैन का जूस हैगा, गन्ने का जूस जिसे कहते हैं। जिसको नहीं पता शुगर कैन क्या होता है तो मैं बता दूँ, गन्ने का जूस को कहते हैं शुगर कैन ना। तो ये फहद को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, इससे बहुत सारी हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। कभी भी आप थके हुए हों, आपके अंदर हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी हो, ख़त्म हो गई हो, आप सिर्फ एक गिलास ये वाला ड्रिंक पी लें, आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि आपको खुद फील होने लगेगा कि मेरे अंदर चलने की हिम्मत हो गई है। तो ये बाद में कोई अपनी उस पर बातें नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ बैठकर ये 100% 110% ये बात सच है कि ये एनर्जी फुल ड्रिंक्स होते हैं, ये फ्रेश जूस होते हैं, हमें लाजमी पीना चाहिए। हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरी डाइट में ज़रूर ऐड किया करें ये सारे ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें ताकत पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं जो लेकर आई थी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने खीरा ले लिया था थोड़ा, और इसके अलावा जो है ना खीरा पानी से भरपूर होता हैगा, और इसके अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार पाई जाती है इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। और बाकी ये तोरियाँ हैंगी, तो तोरी जो है ना मैंने ले ली आज बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तोरी बनी नहीं थी हमारे घर में। और इसके अलावा हरा धनिया ले लिया था, और इसके अलावा मैंने पालक ले लिया था। वैसे तो तोरई एक सब्ज़ी है, लेकिन इसे घिया भी कहते हैं, लेकिन बाज़ लोग तोरई कहते हैं, बाज़ लोग इसे घिया कहते हैं, बाज़ लोग इसको काली तोरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये गर्मी में बहुत अच्छी होती है, कच्ची कच्ची भी आती है। वैसे तो ये 12 महीने ही आती है, लेकिन गर्मी में इसका सीज़न होता है, और सीज़न वाली ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं या फल होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि फ़्रेश फ्रेश आ रहे होते हैं वो, और वो कोई मतलब ये कि ना नुकसानदेह नहीं होते हैं। तो रखी हुई चीज़ें जो फ्रोज़न होती हैं वो थोड़ा सा नुकसान फिर कर जाती हैं, लेकिन जो फ्रेश चीज़ें होती हैं जो सीज़न में आ रही होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, इसमें जो ये खुश्की को दूर करती है, और गर्मियों में तेजाबियत की मिकदार बढ़ जाए तो उसके लिए भी तोरी बहुत मुफीद ग़िज़ा है। बवासीर के मरीज़ों के लिए मुफीद ग़िज़ा है, और ये पेशाब आवर भी है। और कड़वी तोरी असाबी अमराज मसलन लकवा फालिज मिर्गी खून के ख़राबी से पैदा शुदा अमराज में मुफीद साबित होती है। तोरी अपनी तासीर में ठंडी होने की वजह से गर्मी में ठंडा का एहसास दिलाती है, और ये हल्की ग़िज़ा होती है, ये भारीपन नहीं करती है और ये हल्की ग़िज़ा होती है। तो आ जाते हैं जिसकी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में मैं आपको बता दूँ, मैंने तेल गरम करके इसके अंदर मैंने साबुत मिर्ची ऐड की, और इसके अलावा मैंने कलौंजी ऐड की आधा चम्मच, और जीरा ऐड कर दिया हल्का सा। जीरा कलौंजी जब फ्राई हो गई एक मिनट बाद, तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। अच्छा, मेरी प्याज जो है ना जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी ना, फ्राई हो गई, तो मैंने इसके अंदर जो ना अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च, धनिया, नमक ऐड कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं अपने सालन में टेस्ट लाना, तो अदरक लहसुन जो है ना फ्रेश पीस कर, फ्रेश दरदरा सा कूट के ऐड कीजिए, आपके सालन में बेतहाशा टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए, तो बाकी मैंने कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी ऐड करी थी, पिसी हुई मिर्च ऐड नहीं करी मैंने इसके अंदर। अदरक लहसुन ऐड कर दिया था, फ्रेश पीस के ऐड किया था मैंने, वो पुराना पीस के ऐड नहीं किया, असल में हमारा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे फ्रेश ही पीस के ऐड किया। और इसके अलावा जो है ना यहाँ मैंने बस भुनाई हो गई ना मसाले की, मसाला अच्छे से भुन गया, तो मैंने इसके अंदर तोरई ऐड कर दी। और यहाँ मैं तोरई को हिला दूँगी, पानी नहीं जाएगा, क्योंकि तोरई का अपना सब्ज़ी का पानी बहुत होता है, तो इसलिए बस मैं इसको हल्की आँच पर दम वाली आँच पर करके रख दूँगी। जब मैंने तोरई का एक आधी घंटा बाद जब मैंने ढक्कन कैप हटाया ना, तो मतलब तोरई मेरी अच्छे से मतलब भुन चुकी थी, और मतलब मैंने इसकी अच्छे से और भुनाई कर ली। मैंने इसमें बहुत सारी जो है ना हरी मिर्ची ऐड करी, मोटी वाली हरी मिर्ची ऐड करी। टेस्ट जो आता है ना हमेशा मोटी वाली मिर्चों से आता है, और जो छोटी वाली मिर्ची होती है वो थोड़ी सी थीकी होती है, तो मतलब तेज़ होती है, तो मतलब वो मिर्ची ही लग रही होती है एक तरह से, लेकिन ये कि टेस्ट जो आता है ना वो बड़ी वाली मिर्चों से आता है, मोटी वाली मिर्चों से। तो वो मैं लाजमी ऐड करती हूँ अपने हर खाने में, क्योंकि मुझे अपने खाने को हर बार बहुत लजीज बनाना होता है इसलिए।
तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने सोचा तोरी तो बन के इतनी सी हो गई है, ये तो एक टाइम भी पूरी नहीं होगी। माशाल्लाह हम चार बंदे हैं, तो इसलिए जो है ना, फिर मैंने जो है ना यहाँ पे ना दही बड़े बनाने का सोच लिया था। मैंने सोचा मैं दही बड़े बना लेती हूँ। दही बड़े से ये होगा कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और फिर हस्बैंड सुबह के गए शाम में घर आएँ तो उनकी पसंद की चीज़ मिल जाए तो क्या ही बात है, सारी थकन दूर हो जाती है। तो बस मेरे हस्बैंड अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, तो बस मैंने सोचा अभी टाइम है उनके आने में, तो बस जल्दी से जो है ना, मैंने थोड़ा सा ही बेसन लिया था, आधी प्याली बेसन लिया था, क्योंकि हमारे लिए एक बाउल बन जाता है, इनफ होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने कढ़ाई पे फ्राई तेल गरम किया और मैंने अपने दही बड़े बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, मैं तोरी की थोड़ी सी खासियत और बता दूँ, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इसके अंदर विटामिन के, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और ये वेट लूज़ करती है, और ये वेट अपने डाइट में इसको वेट लूज़ करने के लिए ज़रूर शामिल करा करें। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बिनाई को भी बहुत तेज़ करती है, ये दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तोरी में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं यानी कि ब्रेन हेल्थ के लिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये वेजिटेबल्स है, तो दिमाग को सेहतमंद रखने में बहुत मुफीद साबित होती है, क्योंकि तोरी के अंदर एक ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो दिमाग ब्रेन हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर जी, हमारा खाना रेडी हो गया था, दही बड़े भी बन गए थे, तोरी भी बन गई थी, और रोटियां भी मैंने बना ली थी। हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए थे, तो बस हम लोगों ने अपना खाना इन्जॉय किया। मेरे फादर इन लोगों को असल में कहीं जाना था, तो बस उन्होंने जल्दी खाना खा लिया था। अच्छा, दही बड़े के साथ रोटी खाना किसको पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी, आज का व्लॉग यहीं तक था, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको लाजमी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, और जब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।